ऑफिसर को तुरंत वापस बुलाइए, वो खतरे में है। हाँ ठीक है ठीक है। क्या मतलब? जो ऑफिसर खतरे में है वो खुद ही एक खतरा है। खाकी वर्दी, मुंह में सिगरेट और हाथ में खून से सने हथियार के साथ पहाड़ियों में ड्राइव करता पुलिस ऑफिसर अब बनेगा सबका काल, और वो काल बनेंगे हमारे नेचुरल सुपरस्टार। दरअसल 2022 की फिल्म हिट द सेकंड केस में नेचुरल स्टार यानी साउथ स्टार नानी ने कैमियो किया था, आपको याद ही होगा। और उसे देखने के बाद हमें ऐसा बार बार लग रहा था कि हम बार बार यही मैनिफेस्टेशन कर रहे थे कि नानी के ऊपर अब एक अलग फिल्म बनाई जाए। और देखिए, हमारा मैनिफेस्टेशन काम भी कर गया। दरअसल नानी के ऊपर ही इस फिल्म का थर्ड पार्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम है हिट द थर्ड केस, और जिसका पोस्टर और प्रोमो अभी रिलीज किया गया। और उसे देखने के बाद हम आपको एक लाइन बताना चाहेंगे कि इसमें ये बंदा पुलिस कम और क्रिमिनल ज्यादा लग रहा है, ये तो मतलब यमराज होने वाला है, यमराज। वेल, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में हम देखते हैं कश्मीर में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर्स के एक ऑफिसर को एक कॉल आता है जिस पर बताया जाता है कि उनके एक ऑफिसर को बहुत बड़ा खतरा है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ये पता चलता है जिसे खतरा है ऐसा बोला गया है वो खुद ही एक खतरा होता है, और वो है नानी, जो इस फिल्म में IPS अर्जुन सरकार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो एक बुलेरो गाड़ी में नजर आ रहे हैं फुल स्टाइलिश अंदाज में, मुंह में सिगरेट लेकर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह सिविल ड्रेस में नजर आ रहे हैं और उनकी सीट के पीछे लटकाया गया है उनका यूनिफॉर्म। पर इससे ये बताने की कोशिश हो रही है कि जिस आदमी के बारे में बोला जा रहा है वह खतरे में नहीं है बल्कि वो खुद खतरनाक है। और नानी तो एकदम फ्यूलेस पावरफुल अंदाज में नजर आ रहे हैं, एक इंटेंसिटी और अथॉरिटी के साथ। और इतना जरूर है कि इस फिल्म में वो फेवरेट वायलेंस वाला मसाला भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि आजकल उसके बिना हीरो को मजा ही नहीं आता। वैसे ये फिल्म पॉपुलर हिट यूनिवर्स में बनी तीसरी फिल्म है और नानी के करियर की 32nd फिल्म है। अब 2022 में रिलीज हुई हिट द सेकंड केस में हमें एक्टर अधिशेष नजर आए जिसमें नानी के स्पेशल अपीयरेंस किया गया था अर्जुन सरकार बनकर। फिर 2020 की फिल्म हिट द फर्स्ट केस में एक्टर विश्वाक सेन नजर आए, और पहली फिल्म ने जहां 6 करोड़ के बजट में 12 करोड़ कमाए वहीं दूसरी फिल्म ने 15 करोड़ के बजट में 42 करोड़। पर ये जो थर्ड पार्ट होगा ना उसके आंकड़े इससे भी ट्रिपल होने वाला है, क्योंकि इस बार नानी ने इस फिल्म को अपने हाथ में ही ले लिया है, जिनका एक ही अलग स्टारडम है, एक ही अलग स्टार पावर है और बिल्कुल बिंदास मूड में रहते हैं। वैसे इस फिल्म में इस बार अदीगी भी नजर आने वाले नानी के साथ, और विजय सेतुपति भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और इस फिल्म का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाने वाले शैलेश कुलूनू की डायरेक्ट कर चुके हैं, जो हमें अगले साल 1 मई को देखने को मिलेगा। तो अभी तो बहुत टाइम बचा है, वेल तब तक देखते हैं कि कितना मजा आने वाला है इसके कंटेंट रिलेटेड रील्स देखकर और क्या क्या इससे बाहर आने वाला है। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाय टू 8828850888।